फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कात्यायनीकुंड 14 में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो अभी मैं गेटअप में हूँ। जो भी मेरे पास है मैनेज करके मैंने पहना है, जींस पे ये दुपट्टा वगैरह लगा के। तो मतलब मैं सब गई थी शूट करने, लेकिन शूट नहीं कर पाई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया। मतलब होता है ना कि अपना डांस बैकग्राउंड अपना ही होता है, तो ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है। आप लोग को पता ही है कि मैं रेंटेड रूम में हूँ अपने दीदी बाबू के साथ। मेरी मम्मी भी आती है यहाँ पे हमेशा, मतलब आती रहती है, घर पे बहुत कम रहती है, यहाँ पे ज़्यादा रहती है वो। अभी मेरी गुड़िया फैमिली की वजह से वो घर पे हैं, तो अभी वो आने ही वाली है आधा एक घंटा में। और आप लोग मेरा घर का मतलब लोकेशन देख सकते हो। ये सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के रेडी हुई। दीदी ने मतलब जितना भी काम किया है, दीदी की वैसे भी थोड़ी सी तबीयत खराब है। आप लोग देख सकते हो आलू पालने के लिए सब्जी बनेगा, आलू दम। कमेंट में बताना कि किस किस को पसंद है आलू दम। ठीक है, तो आलू उबला मतलब दीदी ने बैठा दिया है, उबला जाएगा उसके बाद बनेगा खाना। आप लोग देख सकते हो आँच से ज़्यादा हो रहा होगा। मैं बहुत बार मैंने ट्राई किया, बहुत बार मैंने कोशिश किया, पर फिर भी नहीं बन पाया। और धूप निकल गया और मेरी होता है ना सांप निमला, वैसा ही है। धूप से मेरी उतना ही प्रॉब्लम है, नहीं बन पाता है। तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ इस ब्लॉग वीडियो में, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, एकदम दिल से बोल रही हूँ। मैं जहाँ कहीं भी हूँ आप लोगों के सपोर्ट, प्यार की वजह से हूँ, दुआओं की वजह से ही हूँ। तो मेरी लाइफ में जो कुछ भी होती है, जो कुछ भी होता है, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे एडवाइस भी देते हो, सलाह भी देते हो कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है। आप लोग कमेंट भी करते हो तो अब बस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है और जिसकी वजह से मैं ठीक से शूट नहीं कर पा रही हूँ। घर से आई थी यहाँ पे शूट करने के लिए, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, वही सारी दिक्कतें हैं जो घर पे थी। खैर, मैं आप जरूरत पड़ेगा तो मैं शेयर भी करूँगी, जो भी बातें हैं शेयर भी करूँगी, पर अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। बस इतना समझ लीजिए कि मत रो छुटकी, इधर देख, रोते नहीं है। माता रानी पे भरोसा रखो, उधर देखो, माता रानी पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब माता रानी रेंटेड रूम तक ला सकती है ना, तो कल अपना भी होगा ऐसा। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाना देना तो अमीर घर में, गरीब घर में मत देना कभी, क्योंकि मतलब डांस वीडियो ना बनाऊं तो रहा नहीं जाता है, मन नहीं लगता है, मेरा खाना पीना छूट जाता है। और बनाओ तो कुछ और ही प्रॉब्लम, मतलब जो घर पे था सेम वही है यहाँ पे, एकदम सेम टू सेम है। जो भी होगा मैं आगे शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। प्लीज अपना साथ आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और जो मतलब इतना ही क्षमता है कि जो जहाँ पे मेरा घर है वहाँ के जो लोग हैं राक्षस हैं, राक्षस से भी मतलब उनका अलग नाम होना चाहिए। दिल दया माया कुछ नहीं है उनके पास, बस यही रीजन है कि गांव छोड़ना पड़ा। मेरे मासी का यहीं पे घर है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे जो मासी है वो बहुत कम घर पे रहते हैं लोग, वो लोग। और उनका जो छत भी है ना एकदम पतला पतला है ना दीदी, एकदम खराब खराब है। तो नहीं हो पाया, मतलब ये नहीं है कि मेरा रिलेशन नहीं है, अब मैं वहां पे शूट नहीं कर पाऊंगी। अभी फिलहाल मेरा भाई आ गया है, तो दरवाजा खोल दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरा भाई आ गया है, मतलब मार्केट गया था सामान लाने के लिए, कुछ सामान नहीं था राशन वगैरह का। और ये चला को तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं, इसको पता नहीं है कुछ भी कि क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे क्या नहीं। तो मार्केट गया था और ये देख सकते हैं चार पेड़ा लेके आया है, खाया है, तीन दिया है। और मेरे लिए आया है ये, क्योंकि शूट करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग जाती है। और आप लोग को पता ही है कि मेरी मतलब हमेशा मुझे कमजोरी ही रहती है घर की स्थिति की वजह से। तो आप लोग देख सकते हो ये आ गया है और दीदी जा रही है बनाने। तो फ्रेंड्स, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं
ठीक से सूट नहीं कर पा रही हूँ, अपना काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। यही रीजन है कि यूट्यूब पे लगातार मेरा काम छूट रहा है, तो इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे ही, ताकि मेरे पास भी मतलब डांस बैकग्राउंड आ जाए और मैं अच्छे से सुकून से डांस वीडियो बना सकूं। और हाँ, मतलब जरूरत पड़ने पर मैं सबको शेयर भी करूंगी कि क्या हुआ है, क्या है माहौल, क्या कुछ है। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, अभी मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। और अच्छा रहा, मतलब मेरा काम चलेगा अच्छा से, सब कुछ सही रहा तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं। लेकिन अगर बात ये होता ना कि एकदम सर के ऊपर चला जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैं काम करना चाहती हूँ और घर से भी मैं बिना कुछ बोले, बिना किसी से झगड़ा किए हम लोग यहाँ पे आए ताकि काम कर सके। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये काम चल रहा है अभी, फिर भी ठीक है। देखिए क्या होता है, होता है ना कि कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो वैसे भी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मतलब मुझे सबसे ज़्यादा खमता है तो डांस बैकग्राउंड को लेकर, कि मेरे पास डांस बैकग्राउंड आ जाए, बस डांस बैकग्राउंड, कैसे भी मेरे पास डांस बैकग्राउंड आ जाए। ताकि आप लोग को पता है, मैं जब भी शूट करती हूँ तो जल्दी जल्दी करती हूँ। ऐसे सारे लोग, जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियोज़ बनाते हैं, वे रुक रुक के आराम से बनाते हैं, सोच समझ के। मेरे पास सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ नहीं बचता है, बिल्कुल भी समय नहीं होता है। मैं छत पे चढ़ती हूँ और तुरंत जैसे तैसे बनाती हूँ, मतलब नहीं बनता है तो गुस्सा भी आता है एकदम कि क्या करें क्या नहीं। कभी जल्दीबाजी में दीदी से कैमरा ख़राब होता है, कभी जल्दीबाजी में मैं डांस नहीं कर पाती हूँ तो धूप निकल जाता है, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, झगड़ा भी हो जाता है हम लोग के बीच में कि नहीं बन पाया है। आप लोग को पता है, मतलब इंसान अगर अपना काम ना करे तो फिर दिमाग कहीं और नहीं रख पाता है। और बस यही है, अब माही है रास्ता दिखाए, क्योंकि घर पे कुछ नहीं था, घर से यहाँ तक ये लाई है। क्योंकि हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ तक आएंगे और कुछ करेंगे लाइफ में। तो यहाँ तक मैं अपनी फैमिली को लेके आई हूँ, तो पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है भगवान पे कि भगवान जी मेरे साथ हैं और वे ज़रूर साथ देंगे मेरा। बस यही है, तो अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। बस यही बात बोलनी थी कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है जो कि मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती, अभी काम करना चाहती हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं आगे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि डांस वीडियो मतलब नहीं बना रही है तो सपोर्ट ना करें। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा जो आप वैसे भी मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी एकदम स्लो चल रहा है, जो फेक आईडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ऑफिशियल पे मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, वैसे कपड़े, उतना मेकअप, उतना मेकअप, मेरे पास उतना नहीं है, ये मैं खुल के बोलती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं गरीब हूँ, गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनती हूँ, मेरा भाई भी अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, मेरे घर पे कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है, हम लोग पास फैमिली है, कोई नहीं पहनता। अब ये कहने में और ये बताने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है, क्योंकि गरीब होना शर्म की बात नहीं है, अच्छा इंसान ना होना ये शर्म की बात है मेरे लिए। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, क्या पहन रहा है क्या कर रहा है मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही अपना साथ देते रहना, प्लीज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस काबिल बनाने के लिए कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ तो कर पा रही हूँ। लव यू ऑल, अपना साथ आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।